राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस जल्द कर सकती है मीडिया एंड कम्युनिकेशन कमेटी का ऐलान। मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा को सौंपी सदस्यों की लिस्ट। मीडिया एंड कम्युनिकेशन कमेटी के लिस्ट में कई नामों पर मंथन, अर्चना शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास के नाम पर चर्चा, तो ममता भूपेश स्वर्णिम चतुर्वेदी के नाम पर भी मंथन किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये जानकारी मीडिया एंड कम्युनिकेशन कमेटी से जुड़ी हुई है। अब क्योंकि मीडिया एंड कम्युनिकेशन कमेटी का ऐलान जल्द ही संभव है, कांग्रेस ये ऐलान कर सकती है और इसमें जो नाम है वो सदस्यों की लिस्ट उसको सौंप दिया गया है। मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा को ये लिस्ट सौंपी गई है। अब इनमें ऐलान किन नामों पर होता है, क्योंकि मंथन इस पर किया जाएगा और मंथन के बाद ही इन नामों को सामने रखा जाएगा। और अर्चना शर्मा प्रताप सिंह खाचरियावास के नाम पर फिलहाल चर्चा चल रही है। ममता भूपेश स्वर्णिम चतुर्वेदी के नाम पर भी मंथन किया जा रहा है, लेकिन कौन से नाम होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी ये नाम भेजे गए हैं और नामों की जो लिस्ट है वो भेजी गई है। अब इनमें से जो नाम होंगे उन पर मंथन किया जाएगा और मंथन के बाद एक जो नाम है वो फाइनल किया जाएगा। कनिका हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है। कनिका, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो है अब कांग्रेस पार्टी में अगर हम बात करें तो चाहे वो कैंपेन कमेटी हो, चाहे वो मैनिफेस्टो कमेटी हो या फिर मीडिया एंड कम्युनिकेशन कमेटी हो, इन तमाम कमेटियों का गठन होने वाला है। लेकिन मीडिया एंड कम्युनिकेशन जो कमेटी की बात करें खासतौर पर, तो बहुत जल्द जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा और तमाम बड़े जो नेता हैं और जो मीडिया के लोग हैं उन सभी लोगों को जो है इस कमेटी में जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें तो इस कमेटी को लेकर जो है जो प्रस्तावित नामों पे जो मंथन चल रहा है उसको लेकर जो है राजस्थान की जो लिस्ट है वो दिल्ली में मीडिया कम्युनिकेशन हेड जो है उनको सौंप दी गई है। और अगर हम नाम की बात करें तो इसमें अर्चना शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास जो है उनका चेयरमैन के लिए नाम चल रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम मीडिया एंड कम्युनिकेशन कमेटी की बात करें तो इसके अंदर इसके अलावा जो है ममता भूपेश, स्वर्णिम चतुर्वेदी और तमाम जो अन्य लोग हैं उनका भी नाम है। तो कहीं ना कहीं चुनावी लिहाज से जो है इस कमेटी के जरिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है मीडिया कोऑर्डिनेटर करेगी, किस तरह से कौन सी मुहिम चलानी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी मैनेजमेंट हो, इन सब चीजों के बारे में जो एक कमेटी का गठन होता है उसका बहुत जल्द जो है ऐलान किया जाएगा। जी कनिका, कितने इसमें सदस्य होते हैं जरा एक बार विस्तार से उसके बारे में बताएं, क्योंकि चेयरमैन एक जो आप कह रही है प्रताप सिंह खाचरियावास या ममता भूपेश वो हो सकते हैं, उनके नामों पर मंथन है, सदस्य कितने होंगे? देखिए, अगर हम मीडिया एंड कम्युनिकेशन कमेटी की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन और लगभग 10 से 12 जो है मेंबर बनाए जाते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो है कोई मेंबर्स की लिस्ट नहीं होती है अभी तक जो है हमारे पास जो सूचना आई है उसके मुताबिक जो है एक चेयरमैन और 10 से 12 मेंबर्स जो है वो नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें जातिकरण समीकरण को भी देखा जाएगा, कौन कितना एक्टिव है, 5 साल में कितनी तरह से एक्टिवनेस के साथ काम किया है उसको भी देखा जाएगा और अलग अलग जगह से कौन सा फैक्टर काम आएगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो राजस्थान में तमाम तरह के फैक्टर हैं, चाहे वो सक्रियता की बात हो, चाहे वो मुद्दों की बात हो, चाहे वो जातिगत समुदाय की बात हो, इन सभी फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए इस कमेटी का गठन किया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द 1 से 2 दिन में जो है इसका औपचारिक ऐलान जो है वो AIC द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो है अगर हम चेयरमैन की बात करें तो प्रताप सिंह श्रीवास का जो है वो चेयरमैन के लिए नाम चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास के जो है अर्चना शर्मा का नाम जो है वो भी चेयरमैन के लिए चल रहा है। ठीक है, अब ये जो नाम है उनकी लिस्ट कब तक सामने आ जाएगी और किस तरह से फिर ये जो पूरी कमेटी होगी मीडिया एंड कम्युनिकेशन कमेटी वो किस तरह से कार्य करेगी? देखिए, अगर मेघा हम साफ तौर पर इस कमेटी की बात करें तो कहा जा रहा है लगभग 1 से 2 दिन में जो है इसका औपचारिक ऐलान जो है वो हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके अलावा अगर हम काम की बात करें तो चुनावी लिहाज में किस तरह से जो है कैंपेन्स में कोऑर्डिनेशन होगा, कैसे जो है मीडिया पूरा कोऑर्डिनेट करा जाएगा, कैसे जो है सोशल मीडिया पे जो है तमाम सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में किस तरह से प्रचार किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इस कमेटी के गठन के बाद जितने भी मेंबर्स होंगे एक उनका अलग से वॉर रूम में एक जो है जगह बनाई जाएगी जिसे कनेक्ट
लॉन के नाम से नाम दिया जाएगा, जिसमें तमाम लोग होंगे जो मॉनिटर करेंगे कि कहां पे क्या चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, इन सभी जगहों पे, यानी कि मीडिया डिपार्टमेंट में क्या कुछ चल रहा है, क्या कोई फेक न्यूज तो नहीं चल रही है, क्या ऑपोजिशन की तरफ से कोई जो है प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा, इन सभी चीजों को लेकर जो है ये कमेटी पूरा ध्यान देती है और किन मुद्दों को जो है आगे उठाया जाए, कैसे हर घर तक जो है, चाहे वो रैलियां हों, चाहे वो जनसभाएं हों, वहां पर भी किस तरह से मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इन सभी पूरे मामले को लेकर जो है इस कमेटी का काम होता है और पूरी तरह से जो है मीडिया मैनेजमेंट जो है इस कमेटी के लोग करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कनिका।